हेलो एवरीवन, हाय, सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों के सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि वो है चटनी का रेसिपी। मैंगो और पुदीना पत्ता, लहसुन का दाने, ये सब मिलकर चटनी बनाते हैं हम लोग। तो इसी के बारे में आज आप लोगों को वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को देख के अच्छा लगे या आप लोग चटनी बनाते हो उसी सिस्टम से तो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम लोग लहसुन का छिलका निकालेंगे। चार लहसुन का छिलका निकाल के चार दाने लगाना है हमको। जैसे मैं छह दाने लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास तीन मैंगो है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा पुदीना का डाली लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर पानी पे भिगा के रखी हूँ, इतना सा ये पुदीना है, इतना सा पुदीना का डाली डाल देंगे। और मेरे पास है अभी तीन मैंगो, इतना बड़ा बड़ा तीन मैंगो। हम इसको छिलका निकालेंगे। छिलका निकाल के फिर इसको छोटा छोटा काट करना चाहिए। हम लोग इसे भी सारे छिलका के काटेंगे। इतना से मेरा कट कर चुकी है, इसको थोड़ा छोटा छोटा करना चाहिए क्योंकि इसको मिक्सी में डालने से अच्छी तरह पेस्ट होना चाहिए। पेस्ट नहीं होगा तो ज़्यादा टेस्ट का मालूम नहीं पड़ेगा। इस तरह बना के खट्टा रह ही जाएगा। मैं फिर से और आप लोगों की अच्छी तरह दिखा रही हूँ। ये देखो, इतना सा पुदीना, चार मिर्ची, छह लहसुन के दाना और तीन मैंगो, इसको छोटा छोटा करके काट कर दिए हैं। इसको अभी हम लोग मिक्सी में डाल देंगे। मैं इसको अभी डाल दूँगी। हाफ चम्मच, इसी चम्मच से हाफ चम्मच नमक डालेंगे। इतना सा हाफ चम्मच नमक डाल देंगे और दो चम्मच चीनी शुगर डालेंगे। दो चम्मच शुगर डालें फिर इसको पेस्ट कर देंगे। चलो, हमारे चटनी अभी तैयार हो चुकी है। मैं इसको बड़ा सा इतना छोटा सा गमला में निकल रही है। इसको आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अभी कलर कैसी रही है, टेस्टी कैसी रही है। इसका सेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, मैंगो का, पुदीना का सेंट। ये देखो कितनी अच्छी से बनी हुई है चटनी। इसको हम लोग अभी इसको